दूसरी मूवी फाइनली रिलीज हो चुकी है, तो आइए थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। बाकी आपको पता है स्त्री यूनिवर्स काफी बड़ा एंड काफी फैला हुआ है, जहाँ पे भेड़िया और स्त्री साथ ही में मुंजिया जैसी मूवीज भी इसी यूनिवर्स के अंदर कनेक्ट है। तो भाई यूनिवर्स तो काफी बड़ा है, लेकिन जो स्त्री 2 मूवी है वो बेसिकली इन सभी यूनिवर्स को भाई बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने का काम करती है, जहाँ पे हमें इस मूवी के अंदर एक बहुत ही बड़ा कैमियो भी देखने को मिलता है। हाँ, अक्षय कुमार का कैमियो देखने को मिलता है। ये बात करते हैं कैसी है मूवी। बाकी उससे पहले बता दूं, इस मूवी के अंदर हमें राजकुमार राव सर की एक्टिंग लाइक बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, साथ ही में श्रद्धा कपूर ने भी काफी अच्छा काम किया है। लेकिन भाई जहाँ पे आपको पता है स्त्री फर्स्ट आई थी उसके अंदर श्रद्धा कपूर का कोई नाम नहीं था, उसका कोई पता नहीं था, उसका कोई एड्रेस नहीं था, लेकिन स्त्री सेकंड के अंदर हमें वो सब राज बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके समझा दिए जाते हैं कि श्रद्धा कपूर कौन है, वो कहाँ से आई है, वो क्या करना चाहती है, एंड उसने स्त्री की चोटी क्यों धारण की, वो भी आप सभी को पता है इस यूनिवर्स के अंदर पता चल गया। बाकी भेड़िया का केमियो, हमारी वरुण धवन का केमियो लिटरली में बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैकडॉल्स फिल्म वाले ने बहुत अच्छा काम किया लिटरली में इस मूवी के अंदर। स्त्री 2 के ट्रेलर के अंदर लिटरली में जो VFX का काम किया गया था वो वाकई में काफी अच्छा दिख रहा था, लेकिन जब आप मूवी को देखोगे तो कॉमेडी वगैरह को छोड़ के एंड जितने भी इस मूवी की स्टोरी है उसको छोड़ के अगर आप थोड़ा बहुत VFX पे ज्यादा फोकस करोगे तो आपको कई कई जगहों पे काफी मिस्टेक्स देखने को मिलेगी, जो कि मेरे को बहुत कम जगहों पे नो डाउट हुई, क्योंकि मैंने मूवी फर्स्ट टाइम देख रहा था एंड मैं इस मूवी को एक्सपीरियंस करना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने इस मूवी की गलतियों से ज्यादा इस मूवी की अच्छाइयों पे ज्यादा फोकस किया, एंड ऐसा ही मूवी वर्क भी करती है। इस मूवी के अंदर गलतियों से ज्यादा अच्छाई है, एंड जो कैमियो आपको देखने को मिलता है वो लिटरली में आपको इसकी बुराइयां देखने का मौका भी नहीं देगा। राजकुमार राव सर की एक्टिंग साथ में अभिषेक सर की एक्टिंग, लिटरली में उन दोनों की जोड़ी वो आपको बांधे रखती है पूरी मूवी के अंदर। मूवी पूरी की पूरी फ्रेंडली है, आप विद फैमिली इस मूवी को जाके देख सकते हो। कोई भी इसी मूवी के अंदर वल्गर सीन वगैरह नहीं है, गालियां वगैरह नहीं है, जितनी भी कॉन्वर्जेशन है वो सारी की सारी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके समझा दी जाती है। वहीं पे पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर, लिटरली में वो कैरेक्टर इतना फनी है, लाइक जब जब पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, वो स्क्रीन पे आते हैं, तब तक उसके अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर देखने का मन ही नहीं करता। ये मूवी आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देगी इस यूनिवर्स को लेके। बाकी अगर आप इस मूवी को चेकआउट करते हो तो विद फैमिली जरूर जाके चेकआउट करना, मैं आपको यही सजेशन दूंगा। बाकी लिटरली में मूवी मेरे को काफी अच्छी लगी। मूवी के नेगेटिव के साथ पॉजिटिव पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं, एंड मेरे को वो नेगेटिव पॉइंट बात करने इतना टाइम नहीं है। बाकी मैं जा रहा हूँ वेदा मूवी देखने के लिए। बाकी उससे पहले बता दूं, इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 4 out of 5 star, क्योंकि लिटरली में मूवी काफी अच्छी है, एंड जितने भी कैमियोस वगैरह है, अक्षय कुमार का कैमियो हो गया, वरुण धवन का कैमियो हो गया, ये दोनों कैमियो बहुत ही ज्यादा अच्छे है एंड आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।